चलिए अभी मैं अपना वो खत्ता का सब्जी तोड़ लेती हूँ, मच्छी के साथ बना के कहेंगे बाहर घूम घूम के बाहर का खाना खा के ना मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई, तो इसीलिए आज खत्ता खाने का मन कर रहा है, तो मैं मच्छी के साथ बना के खाऊंगी। ये देखो हम लोग इसे गलदा कहते हैं, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता, ऐसे में से तो मेस का तेंगा। सो आज ही मेस का तेंगा और मांस बनाए खाऊँ इकनी। और यहाँ पे भी देखो मेरा खूबसूरत सा मॉर्निंग ग्लोरी फ्लावर के सा पीले रंग के सारे लगे हुए पीछे में, घर के पीछे मेरे सब्जी गार्डन के यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने अब निकाला हुआ था, मैंने ऐसे छोड़ दिया, तो ये देखिए कितना खूबसूरत से लगी हुई है सब की मान दुनिया लगी ऐसे गेंदा फूल। पपीता भी आ रहे हैं बड़े बड़े होके निकल जाएगी कुछ दिनों में। और ये रहा मेरे खत्ता, पहले थे जब ये छोटे होते तो ये पत्ता खाते हैं, हम लोग अभी भी खा सकते हैं, लेकिन अभी तो इसका गुट्टी भी निकल के आके नहीं सीध, तो ये खा सकते हैं। इसके जेली बना के खाओ तो और भी ज़्यादा मज़ा आते हैं, तो आज तो मैं ये बना के खाऊँगी मच्छी के साथ ये सारे। तो मैंने ये तोड़ लिया है, इतने से हो जाएगी, ये बहुत खत्ता होती है तो इतने में काफ़ी है कि दोनों ही हम दोनों मम्मी और मैं, सो दोनों के लिए इतना हो जाएगा। हाँ मेरी सब्जी का दिन में इतना खूबसूरत से फूल, मॉर्निंग ग्लोरी फूल देखिए, देख इतना सुकून मिलता है ना जब ऐसे फूल बगीचे में होती है, तो कितना अच्छा लगता है खूबसूरत से। सो तो चलो तो अभी खाना वगैरह बना के हो गए सारे काम, किचन का काम खत्म हो गया है, तो मैं भी नहा धो के फ्रेस होके अभी अपने काम के लिए बैठ गई हूँ। आज कहीं नहीं जाएंगे, बहुत नुकसान हो रहा है मेरी, बहुत सी सारी सिलाई बुनाई के काम रह गई है। तो अभी 12 ठीक पूरे 12 बज चुके हैं, तो 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आज तो सिलाई के काम करना पड़ेगा, इतना सारा रह गए अभी अभी 2-3 कपड़े, बहुत सारे काम है। तो अभी सिलाई बुनाई के काम करती हूँ, उसके बाद में 4 बजे के बाद में देखते हैं थोड़ा बाहर निकल जाएंगे या मार्केट की तरफ जाएंगे या कहीं जाएंगे पता नहीं, फिलहाल तो पहले तो सिलाई के काम स्टार्ट करते हैं, अभी बहुत सारे काम रह गए। पूरे 12, 1, 2, 3, 4 घंटे सिलाई के काम की मैंने, थक गई बैठे बैठे सिलाई के काम। सो अभी मैं तो थोड़ा गांव की तरफ जाती हूँ, कुछ काम याद आ गए मुझे तो वही जाना है, फिलहाल आज के लिए सिलाई का काम ये भी, अगर मन किया तो रात को कर लेंगे।
मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। सो हमारे क्रिसमस के लिए यहाँ पे अभी एडवांस क्रिसमस के लिए गेट बना के रखा हुआ है मेरे गांव की इस तरफ जो जाने वाले गांव। वाह, तो कल से एडवांस क्रिसिया उसलमिना। सो हम जा रहे थोड़ा गांव की तरफ, कुछ खाम याद आ गई तो इसलिए जा रहे। और यहाँ पे देखे आके देखा तो गेट बकरा बना लिया है कितना अच्छा से, और यहाँ पे इतना साफ सुथरा क्लीन कर दिया रास्ता, सारे रास्ता गांव के जाने वाले रास्ता। ये बहुत ही सो रहा हूँ क्रिसमस ना गसु गसु थारी जो सफा खाए गेट माँ मोरंग थारी अब उन्होंने गोड़ी रे बना चिरों चौपिया पर सिले सिले। सो कल से 1 तारीख होगा और 5 दिसंबर, तो कल से एडवांस क्रिसमस जो मनाएंगे, और क्रिसमस का सीजन भी आ गया है अभी। अभी गेट तो बना के रखा हुआ है लेकिन लाइट फिटिंग नहीं किया, इसलिए लाइट वगैरह अभी जली नहीं है। शायद कल से लाइट फिटिंग करेगा तो कल से लाइट जलना शुरू हो जाएगी। स्टार भी लगा हुआ है लेकिन इसमें भी लाइट नहीं है अभी। हाय, तो जल्दी चलो। तो हम जा रहे हैं अभी, एक्चुअली मुझे दूध लेना है, वो गाय वाली दूध जो मतलब ऐसे मार्केट में जो मिलते वो नहीं चाहिए मुझे, मेडिसिन के साथ पीने के लिए दूध ओरिजिनल वाला प्योर वाला दूध चाहिए। इसीलिए हम जा रहे हैं गाँव की तरफ, एक किसी के घर में पूरा प्योर दूध मिलते हैं उसी को पूछने के लिए जा रहे हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सुमी ना बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिलेगा मिलेगा 100%। हाँ चलो देखते हैं कृषि सुमिना की बात सच होगी या नहीं। चलो चलो, कल से मॉर्निंग वॉक करना स्टार्ट करना पड़ेगा रे। ओह माय गॉड, मुझे इतना खुशी मिला क्योंकि सुलमिना की स्कूल ना छुट्टी नहीं मिला, इस 7 दिसंबर को एग्जाम खत्म हो रहा है, उसके बाद भी पूरा क्लास चलेगा 22 दिसंबर तक, शायद 22 दिसंबर तक क्लास चलेगा, और 24 से क्रिसमस तो लग गई है। इतना बड़ा पनिशमेंट क्यों सुलमिना इस बार क्यों? कोई नहीं, अच्छा से पढ़ाई कर लो। तो अभी चलिए, आते आते रात हो गए थे, अंधेरा हो गया था, तो इसलिए मैंने कोई शूट वगैरह नहीं की,
तो आके घर पे काम कर लिया, खाना वगैरह भी बना लिया है। अभी थोड़ा कुछ एक दो कपड़े कटिंग करके रखती हूँ, कल के लिए मेरे लिए आसान हो जाएगी। सो अभी मैं जा रही हूँ अपने कटिंग करवाने के लिए कुछ कपड़े, और उसके बाद मैं तो खाना वगैरह खाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे, और कुछ नहीं है। तो इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो मिलते कल फिर सबको, तो आज के लिए सबको बाय बाय।